मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू निशा स्पेशल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेडीलाइजर को क्लीन कैसे करते हैं जिनके घर में स्टेडीलाइजर है उन्हें पता होगा कि स्टेडीलाइजर कितनी यूजफुल थिंग्स है स्टेडीलाइजर हमारा काम कितना आसान बना देते हैं स्टेडीलाइजर को यूज करके आप अपने बच्चों के फीडिंग बॉटल से लेके बच्चों के टीनर तक सब कुछ आप स्टेडिलाइज कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से तो स्टेडिलाईजर को क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी स्टेडिलाइजर में हमारे बच्चों की फीडिंग बॉटल की सब कुछ स्टेडिलाईज होते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टेडिलाइजर को क्लीन कैसे करते हैं तो चलिए देख लेते हैं तो ये देखिए ये है कीकू का स्टेडिलाइजर इसको चीकू भी बुलाते हैं मैं इस स्टेडिलाइज़र को यूज़ करती हूँ मेरी बेटी के फीडिंग बॉटल्स को स्टेडिलाइज करने के लिए अगर आप चाहे तो आप डिफरेंट ब्रांड भी यूज कर सकते हैं तो मैं इस स्टेडिलाइज़र को पहले आपको दिखा देती हूँ ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा डर्ट है मैंने कुछ दिनों से छोड़ दिया था गंदा होने के लिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ इसको क्लीन कैसे करते हैं तो मैं यहाँ पे अभी विनीगर डाल रही हूँ एंड टेन मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी अगर आपके पास टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं और अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप यहाँ पे ना नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू का रस डाल के ना आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए स्टेडिलाइजर के जो अदर पार्ट्स है उसको क्लीन करने के लिए ना मैं यहाँ पे मिमी का क्लिनजिंग लिक्विड ले रही हूँ मिमी का क्लिनजिंग लिक्विड को एक स्क्रब पैड में डाल के स्टेडिलाइजर uh, के जो अदर पार्ट्स है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी तो सबसे पहले मैं स्टेडिलाइज़र के जो अदर पार्ट्स है उसको अच्छे से धो लूँगी एंड उसके बाद स्क्रब uh, पैड से अच्छे से स्क्रब करूँगी ताकि इसमें जो डर्ट है वो चला जाए एंड स्टेडिलाइजर अच्छे से क्लीन हो जाए स्टेडिलाइजर के जो अपर पार्ट्स है ना इसको आप अच्छे से स्क्रब करके धो सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मशीन नहीं है लेकिन जो बेस है स्टेडिलाइज़र का उसको ना आप ऐसे धो नहीं सकते हैं उसको ना आपको अलग टेक्निक यूज करके ही क्लीन करना पड़ेगा तो ये देखिए स्टेडिलइजर के जो अपर पार्ट है वो अच्छे से क्लीन हो गया है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आई थिंक थोड़ा बेटर हो गया है पहले से वीकली एक बार ना ज़रूर स्टेडिलाइज़र को क्लीन करना चाहिए तो देखिए अभी टेन मिनट्स हो चुका है और अभी मैं स्टेडिलाजर के बेस को अच्छे से क्लीन करूंगी तो एक स्क्रब पैड लेके पहले मैं अच्छे से स्क्रब कर लूंगी एंड उसके बाद ना एक ओल्ड ट्रूथ ब्रश लेके इसको क्लीन करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डर्ट है वो धीरे धीरे ऊपर निकल आया है और अभी मैं ना ओल्ड टूथ ब्रश लेके अच्छे से क्लीन करूंगी अभी ना इसमें जो विनीगर है इसको मैं फेंक दूंगी एंड पानी से अच्छे से धो लूंगी तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है कितना क्लीन हुआ है ये तो आप देख सकते हैं तो अभी ना मैं एक क्लीन टावल लेके इसमें जो पानी था वो मैं वाइप कर लूंगी तो आप बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हैं कितना क्लीन हुआ है तो ये देखिए मैं आपको अलग से दिखा रही हूं ये देखिए बहुत ज्यादा क्लीन हो गया है तो ये एक अमेजिंग ट्रिक है आप इसको फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यही पेड करते हैं आई होप आज की जो वीडियो थी वो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी सी अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय